ये देख रहा दुनिया का सबसे ऊंचा झूला भाई, पता है ये दूर से ना बहुत छोटा लगता था भाई। यहाँ पर आकर ना आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लंदन में आ गए भाई। यहाँ से इसका व्यू देखो और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये देखो, वाओ क्या नजारा है यार। देखो ये जो ब्रिज है ना, तो भाई ये ना दुबई का सबसे पॉश इलाका है जिसे मरीना ड्राइव बोला जाता है, और ये बहुत ही शानदार जगह है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूं इस समय दुबई, और आज दोस्तों हम जो जा रहे हैं ना दुबई की सबसे खूबसूरत जगह, यानी दुबई की आप जान कह लीजिए, दुबई का दिल कह लीजिए, जिसका नाम है मरीना ड्राइव। और यकीन मानिए ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर यूके के लोग, यानी यूरोप के लिए पूरी दुनिया के लोग जो है उस जगह पर रहते हैं। तो ये ब्लॉग ना बड़ा स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली मैं इस समय जो हूँ वो हूँ कि जो बड़ दुबई है मैं वहां, और यहां से जो हम जाएंगे ना वो जाएंगे मरीना ड्राइव, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई हमारी टैक्सी जो आ गई है और हमने जो है यहां से टैक्सी की है, साथ में हमारे भाई भी हैं। क्या लवाजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमारी एक नई शुरुआत, नई सफर अरबाज भाई के साथ, नए एक्सपीरियंस का। प्लीज चलिए बैठ चले भाई। तो भाई देखो ये जो है मरीना शुरू हो चुका है, ये देखिए। भाई सामने जो ये मॉल देख रहे हैं ना, ये मरीना मॉल है, यानी हम जो है मरीना लगभग आ चुके हैं, और यहां से जो हम एंट्री करेंगे भाई आगे से। तो भाई हम आ चुके हैं मरीना, यानी दुबई का दिल, और क्या नज़ारा है यार यहाँ का। तो अभी तो लगभग जो है यहाँ पर 5:30 के आसपास का टाइम है। शाम का जब व्यू होता है ना वो इतना अमेजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा, जो ब्लू वाटर है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। और यहाँ पर ना मैं एक एक करके आपको सारे के सारे जो पॉइंट हैं यहाँ के वो घुमाने वाला हूँ, और यहाँ का जो व्यू है ना बड़ा ही मज़ा आने वाला है भाई। भाई इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग, और ये देख रहा दुनिया का सबसे ऊँचा झूला भाई, पता है ये दूर से ना बहुत छोटा लगता था, यहाँ से देखो कितना बड़ा है भाई। ये मतलब पूरे मोबाइल के फ्रेम में भी नहीं आ रहा, ये देखियो कितना बड़ा है भाई। रियल में ना जब आदमी वहाँ पहुँचेगा ना ऊपर डर लगेगा उसे। देखो फिलहाल आप पता करते हैं ये इस समय चालू है या बंद है। ये देखो कितना ऊंचा झूला भाई ये देखो, ये देखो, और ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा झूला आप ये देख रहे हैं। पहले ना अमेरिका में, यूके में, लंदन में हुआ करता था ये झूला, लेकिन सबसे बड़ा झूला जो है दुबई वालों ने अपने नाम कर लिया भाई। इसके बाद आप देख रहे हो ये है मैडम तुसार, यानी ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक दो जगह है, शायद दिल्ली में भी था पहले लेकिन अब नहीं है। और ये जो है बिल्कुल इस भील के बराबर में ही है, तो यहाँ के अंदर भी जाऊंगा मैं और देखूंगा फोटो किस किस के लगे हुए हैं। भाई यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है ना, मैंने कोई गाड़ी नॉर्मल वाली नहीं देखी, लो लैम्बोर्गिनी है। तो भाई इधर दोनों साइड ना, इधर भी और इधर भी जो है दोनों तरफ 5-star होटल, और उसके बाद अभी हम आगे चल रहे हैं जहां पर ब्लू वाटर है। तो भाई यहां से आप ये देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए जहां मैं जाना है। और देखो ये जो साइकिल है ना ये मुझे बहुत पसंद है, और मैंने ये चलाई भी थी। और ये आप झूला देख रहे हो भाई, यहाँ से देखो कि जो बंदा सबसे ऊपर होगा उसकी हवा कितनी टाइट हो रही होगी। ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा झूला, ये देखो भाई इसमें फिलहाल तो शायद बंद ही लग रहा मुझे ये। मैंने झूले का पता करा तो करे अगले साल यानी जनवरी से ये स्टार्ट होगा भाई। भाई ये देखिए ये है मरीना ड्राइव, और ये जो वाटर है ना ये ब्लू वाटर है, लेकिन इसका जो मज़ा है ना वो रात का है। बहुत ही शानदार जगह ये मान के चलिए आप कि ये जो है दुबई की दिल है। क्या व्यू है यार इधर का, देखो बहुत ही अमेजिंग।
यहाँ पर जो स्टोर है ना, छोटे छोटे शॉप, बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया गया है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वाइट वाइट, ये देखो बहुत ही एकदम प्यारे प्यारे। द लंदन प्रोजेक्ट, मैं आपसे कह रहा था ना आपसे, यहाँ का वो ऐसा फील होगा जैसे आप किसी यूरोप में या यूके में आ गए, सेम ऐसे फील होगा। ये देखिए पूरा का पूरा, भाई यहाँ पर आकर ना आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लंदन में आ गए। लंदन प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, जस्ट सामने ना ये जापानीज है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो फ्लेवर कह सकते हैं ना उसको, वो आपको महसूस। तो भाई यहाँ से ना अभी हम ऊपर चलना है ब्रिज पे, जहाँ से बहुत शानदार व्यू आता है, दिखाऊंगा अभी मैं। वाओ क्या नज़ारा है यार। देखो ये जो ब्रिज है ना, इस पर अक्सर आप जो है शॉर्ट्स वीडियो और जो वीडियो वायरल होती है ना, स्पेशली जो टिकटॉक के स्टार हैं, जो रील्स के स्टार हैं, वो यहाँ पर ही वीडियो बनाते हैं। और सामने की जो बिल्डिंग आती है ना, उसका जो व्यू होता है ना, वो इतना अमेजिंग होता है, बहुत ही शानदार। इनके जो होटल है ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। देखो किस तरह के इन्होंने बॉक्स बना रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा व्यू है ना, देखो कितना शानदार व्यू लग रहा है। तो अभी जो हम इस ब्रिज से जो है जाएंगे। भाई ये यहाँ का ना सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, बहुत ही शानदार। और रात में जब लाइटें जलती हैं ना, बहुत ही शानदार व्यू होता है। जब सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, वहाँ का जो व्यू होता है बहुत ही खतरनाक। अभी जो हम जा रहे हैं ना नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं, मज़ा आने वाला है। भाई क्या घर बना हुआ, ये देखो कितना प्यारा यार, पूरा ना यूरोपियन एक तरह से स्टाइल है ये। देखो वाकई में यार, सड़क किस तरह मेंटेन की गई है। यहाँ पर देखो एक कार खड़ी है, साथ लैम्बोर्गिनी है आई थिंक। हैदराबाद का गरीब भाई। भाई क्या व्यू है यार, ये देखो मरीना ड्राइव, ये देखो भाई वाकई में यार, मतलब इधर जिधर भी गली में नज़र दौड़ोगे ना, आपको लगेगा यार वाकई में यार आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। ये देखो गजब भाई, यहाँ से इसका व्यू देखो। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखो मरीना ड्राइव, ये देखो क्या व्यू है यार। और यहाँ पर ना एक्चुअल में डिनर होता है, बट हमारा डिनर आज यहाँ है नहीं, हमने दूसरी जगह पर किया था, क्रीक पर किया था। और ये देखिए, और आज हम यह यहाँ पर घूमना है। यहाँ का जो व्यू है ना दोस्तों, वो इतना अमेजिंग होता है कि बहुत ही जस्ट बढ़िया लगता है। ये देखो कितना प्यारा व्यू रखा जाए, यानी चारों तरफ बिल्डिंग, बीच में पानी, और इसी के बीच में देखो ये है जहाँ पर आप डिनर वगैरह कर सकते हो। ये देखो भाई, इस पर ना डिनर करने का अपना ही अलग मज़ा है। इसका जो चार्ज होता है अलग अलग होता है, यानी 70 दिरहम, 80 दिरहम, 90 दिरहम, अलग अलग टाइप से इसका चार्ज होता है। भाई ये जगह ऐसी है, मन लग रहा है, मन कर रहा है कि यहाँ से जाओ मत, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, सड़क इतनी शानदार, मतलब एक तरह से यूरोपियन कंट्री की तरह से इसको जो है एक्सप्लोर किया है। साथ ही साथ जो बराबर में समुद्र है, और एक्चुअल में जो पानी है, और उसके उसमें जो है वो है जहाँ पर आप जो है डिनर वगैरह कर सकते हो, उसकी बात ही अलग होती है। भाई ये देख सकते हो, ये है मरीना मॉल, यहाँ का सबसे पॉश एरिया मान लो आप, दुबई की दिल मान लो इस जगह को। ये पूरा का पूरा, इस सब हम सेंटर में है। देखो यहाँ ये जो है
एक्चुअल में रेंट पर भी मिलती हैं चलाने के लिए, इसे आप चला सकते हो। तो भाई ये ना दुबई का सबसे पोज इलाका है जिसे मरीना ड्राइव बोला जाता है, और ये बहुत ही शानदार जगह है। बस ये मान लीजिए कि मज़ा आ जाता है। तो लगभग हम यहाँ पर दो तीन पॉइंट घूमे थे, एक तो यहाँ तुसार म्यूजियम घूमने का है, एक दुनिया की सबसे बड़ी जो वो है व्हील, बट वो फिलहाल बंद है, वो जनवरी के बाद चालू होगी, और तीसरा पॉइंट है ये वॉकिंग जहाँ हम घूमते हैं, साथ में यहाँ क्रूज़ होते हैं जहाँ पर आप डिनर वगैरह कर सकते हो। प्राइस इसके अलग अलग होते हैं, हमने जो क्रीक पे किया था वहाँ पर जो 70 दिरहम के आसपास था, यहाँ का शायद 100 दिरहम का रेट होता है। तो उसमें क्या होता है, डांस भी होता है, तो है कि सॉफ्ट ड्रिंक होती है, स्नैक्स होता है, उसके बाद फिर डिनर वगैरह होता है। बट दोस्तों यहाँ का जो व्यू है ना वो इतना जस्ट अमेजिंग है, बहुत शानदार व्यू है यहाँ का। भाई ये देखिए, इसके जस्ट सामने आप देखेंगे प्यारी सी मस्जिद, कितनी प्यारी मस्जिद आप देख रहे हैं। वाह यार क्या खूबसूरत मस्जिद का व्यू देख रहे हैं, कितना सुनसान लग रहा है ना सब कुछ, कितना प्यारा प्यारा, ये देखो। तो भाई यहाँ का लास्ट व्यू देखो, दुबई मरीना कितना शानदार है, और जस्ट पीछे आप ये देखिए यार, यहाँ का ना व्यू दिखाते दिखाते मन ही नहीं भर रहा, ये देखिए बहुत ही शानदार, ये आप देखिए। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रात को ना, ये दुल्हन की तरह सस्ती है मरीना, बहुत ही शानदार व्यू है, दिल्ली की जान है वो ये है ना तो मरीना। अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना फैमिली के साथ आ रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं, अगर दुबई है तो एक बार मरीना जरूर आएँ, बहुत ही शानदार जगह है, मरीना वॉक जगह है ये, और यहाँ पर जो है ये चिश्ती जो छोटा वाला जहाज है वो भी चलता है। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।